महंगाई से परेशान जनता को राहत देने के लिए चुनावी साल में सरकार का मास्टर स्ट्रोक महंगाई राहत कैंप। पूरी ब्रांडिंग के साथ इसकी लॉन्चिंग हुई और प्रदेश भर में कैंप लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए रजिस्टर किया जा रहा है। कैंप शुरू होते ही पॉलिटिक्स भी शुरू हुई। 24 अप्रैल को उदयपुर के कैंप में अधिकारियों और कांग्रेस विधायक प्रीति शक्तावत का झगड़ा हुआ। क्यों पूछ रहे हैं, इनको पता नहीं नगरपालिका कैसे जाती है? कोटा के रामगंज मंडी में भी हंगामा हुआ। दैनिक भास्कर टीम राहत कैंप में आए लोगों के मन की बात जानने जा पहुंची जयपुर के दुर्गापुरा में लगे एक कैंप में। सरकार अपनी योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाने के लिए महंगाई राहत शिविर आयोजित किया है। इस महंगाई राहत शिविर में लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है। हम लोगों से बात करके जानेंगे कि लोगों को इन योजनाओं के बारे में कितनी जानकारी है और यहां आकर उनको कितना लाभ मिला है। 9 बजे के आसपास आए थे यहाँ पर, फिर लाइन लगाई गई, टोकन लगाया गया। टोकन के बाद में कहा गया कि आप लाइन में लग जाएंगे, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड ये देने पड़ेंगे आपको, और बिल या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके पास गैस के डॉक्यूमेंट्स जो भी हो वो सब डॉक्यूमेंट्स दे दी जाए। आप कौन सी योजना का लाभ लेना है? हम जो अभी ये लोग दे रहे हैं हमें उसमें दिए हैं स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना और बिजली के बिल में इन्होंने राहत दी है। बाकी उज्ज्वला योजना ये बता रहे हैं कि खाली गांव वालों के लिए। कितना टाइम लगाया यहाँ पे सारी प्रक्रिया में? आ गया 2-3 घंटे। जनाधार कार्ड के जरिए दो कैटेगरीज में सरकार की 10 योजनाओं का लाभ इन कैंप में लोग ले रहे हैं। कैटेगरी 1 में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, पशु बीमा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है। दूसरी कैटेगरी में सस्ते गैस सिलेंडर, 100 यूनिट तक फ्री बिजली, निशुल्क कृषि बिजली, मनरेगा, शहरी रोजगार गारंटी योजना को शामिल किया गया है। इसमें सहयोग मिल रहा है आपको? पूरा सहयोग अच्छा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है और जनता की सेवा हो रही है। कैंप में आए लोगों को रजिस्ट्रेशन में 2-3 घंटे का समय लग रहा है। छांव और पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था है, लेकिन सर्वर हैंग हो जाए तो दिक्कत है। हाँ मैम, कोई सर्वर में दिक्कत या नेट में कोई दिक्कत आ रही है? महंगाई राहत कैंप पर सियासत भी लगातार हो रही है। कोटा में तो एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, वो तो कैंप में घुस गए और लोगों को भ्रमित करने के लिए कहा कंप्यूटर धीरे चल रहा है। तो बौखलाहट जो है वो भारतीय जनता पार्टी। जरूरतमंदों को महंगाई से राहत देने के लिए लगे ये कैंप पूरे प्रदेश में लग रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री कई जिलों में प्रचार कर रहे हैं। महंगाई राहत शिविर में आप देख सकते हैं लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है। सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए LED स्क्रीन लगवाई है। इसी के साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ कूलर और पानी की भी व्यवस्था की गई है। जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं जहाँ प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। रणवीर चौधरी, दैनिक भास्कर, जयपुर।